नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधि टेरिया में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी अपडेट बताने जा रहे हैं जो RBI की तरफ से सरकार के द्वारा निर्देश दी गई है। तो क्या कुछ वो अपडेट है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट कानून की जानकारियां इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो RBI ने एक बहुत बड़ा राहत कर्जदारों को दिया है। जो कर्जदार इस कोरोना महामारी में जिन्होंने बैंक से लोन लिया था और जिन्होंने लोन मोनिटोरियम पीरियड का लाभ नहीं उठाया था, कहने का मतलब ये है कि जब से मोनिटोरियम पीरियड की घोषणा 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक RBI की तरफ से की गई थी, इसमें वे कर्जदार जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी और इस मोरेटोरियम पीरियड में भी अपनी किस्तों का भुगतान किया और उन्होंने किसी भी तरीके से मोरेटोरियम पीरियड को लाभ नहीं लिया, तो ऐसे लोगों के साथ न्याय हो, इसलिए RBI ने केंद्र सरकार के माध्यम से एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये लिया है कि इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज है और जो सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों के बीच का अंतर जो भी होगा वो ऐसे कर्जदारों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने मोरेटोरियम पीरियड में किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं लिया और अपनी EMI और अपना ब्याज समय से भुगतान करते रहे। तो ऐसे उपभोक्ताओं और ऐसे कर्जदारों के साथ न्याय हो, इसलिए RBI ने यह फैसला उठाया है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत। और किन लोगों को मिलेगा ये राहत? जो लोग मोनिटोरियम पीरियड का लाभ नहीं उठाए और इस कोरोना महामारी में भी उन्होंने अपनी EMI और अपना इंटरेस्ट चुकाया है, तो ऐसे लोगों के साथ न्याय करने के लिए सरकार और RBI ने सीधा सीधा फैसला किया। जो भी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज, इन दोनों के बीच का अंतर होगा, वे सीधे उन ग्राहकों के खाते में चला जाएगा दिवाली से पहले और यह आपके लिए एक दिवाली बोनस भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था एक बड़ा अपडेट जो RBI ने कर्जदारों के हित के लिए किया था। तो दोस्तों, यह अपडेट कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी प्रकार से आपको लोन से संबंधित, सरफेसी एक्ट संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। विधि टेरिया चैनल के माध्यम से आपके सभी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।